दोस्तों, अगर आप क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाउट नॉट की तरफ से एक नंबर आया 8400 400 400। इसमें आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है व्हाट्सएप पर और इसको अच्छे से क्रॉप कर लेना है कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही दिखे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको क्रॉप कर आपको 8400 400 400 नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको मात्र 3 सेकेंड वेट करना है। जैसे ही काउंट टू 3 2 1, आपको 3 सेकंड वेट करोगे, आपको आपका क्वेश्चन का जवाब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एकदम बेहतरीन तरीकों से सरल स्टेप में, कई तरीकों से कई स्टेप में आपको यहां पर आपका आंसर मिल जाएगा। आपको ना कोई पैसा देना पड़ेगा ना कुछ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत इस नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेजे और साथ में डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक भी दिया हो तो जरूर जाकर डाउनलोड कर लो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था समूह 17 के तत्व, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन के बारे में अध्ययन किया था। इनके रासायनिक और भौतिक गुणों को समझा था, ये कौन कौन से यौगिक बनाते हैं उसको पढ़ा था। समूह 18 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्वों का समूह है, ठीक है। समूह 18 के जो तत्व हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है, कि समूह 18 को शून्य समूह के तत्व क्यों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूह 18 को शून्य समूह के तत्व क्यों कहा जाता है। पहले ये जानिए समूह 18 में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो समूह 18 या शून्य समूह में, शून्य वर्ग में, वो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, ठीक है, ये 6 तत्व आते हैं। क्या, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, ये 6 तत्व सम्मिलित होते हैं। रेडान के अतिरिक्त क्या है, जो अन्य तत्व हैं, ठीक है, ये गैस के रूप में क्या होते हैं, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, ठीक है, इन्हें दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है। रेडान जो है ये रेडियम के विघटन के द्वारा उत्पन्न होता है और यह स्वयं भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। हीलियम को छोड़कर, हीलियम की बाह्य कक्षा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको छोड़कर जो सभी गैसें हैं उनकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस स्थायी विन्यास के कारण ही ये गैसें रासायनिक आबंध नहीं बना पाती और कोई रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, इसीलिए ये इन्हें अक्रिय गैस या शून्य समूह के तत्वों के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि समूह 18 को शून्य समूह के तत्व क्यों कहा जाता है। आइए देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा। नियान है, इसका परमाणु क्रमांक 10 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। इसी प्रकार क्रिप्टॉन का आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है और रेडान है, इसी तरह इन सब का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। आइए सामान्य गुणों का अध्ययन करते हैं कि इनके सामान्य गुण क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भौतिक अवस्था। क्या देखते हैं, भौतिक अवस्था, जिसे इंग्लिश में फिजिकल स्टेट कहा जाता है। तो भौतिक अवस्था में क्या है कि ये सभी अक्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं और ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा जल में अल्प विलेय होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, जल में अल्प विलेय होती हैं, ठीक है। और इसकी स्पेक्ट्रम के बारे में यदि बात करें, ठीक है, इनका दूसरा भौतिक गुण स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो इनके जो लाक्षणिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इनके द्वारा लाक्षणिक स्पेक्ट्रम द्वारा उत्कृष्ट गैसों की पहचान की जाती है, यानी ये विशेष प्रकार के स्पेक्ट्रम को भी दर्शाते हैं। चालकता, चालकता, अब आप सोच रहे हैं यहाँ भौतिक अवस्था लिखा है, चालकता लिखा है, इसके बाद चालकता, आपने स्पेक्ट्रम बताया बीच में, ठीक है, तो बहुत सारे इसके भौतिक गुण हैं, ठीक है, कुछ विशेष जो हैं वो इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो और भी चीज़ें हैं उसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे, जो लगेगा कि हमको ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसमें बताना ज़रूरी है,
ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीजों को हम बीच में इंक्लूड भी करते रहेंगे जो इसमें अंकित नहीं होगा, दिखाया नहीं गया होगा, ठीक है। तो चालकता है यानी कम दाब पर क्या है, इनकी विद्युत चालकता उच्च होती है, ठीक है। और इसमें जब विद्युत स्फुलिंग करते हैं तो ये विशिष्ट रंगों की क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला है इनका गलनांक और क्वथनांक। इनमें जो है छीण वैन डेर वाल फोर्स पाया जाता है और इसी छीण वैन डेर वाल फोर्स के कारण क्या है कि अन्य तत्व की अपेक्षा इनके गलनांक तथा क्वथनांक जो है बहुत निम्न होते हैं तथा आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। यानी किसी भी ज्ञात पदार्थ से में से हीलियम का जो क्वथनांक बिंदु है वो निम्नतम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, ये बढ़ते हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है और अक्रिय गैस में हीलियम का ही क्या है, क्वथनांक जो है वो सबसे निम्न होता है। हीलियम में प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले रबर और कांच प्लास्टिक ये सारे जो उपकरण हैं इसमें से क्या है, हीलियम विसरित हो जाता है और इसको एक असामान्य गुण भी कहा जाता है। उसके बाद है ध्रुवीकरण। क्या है? ध्रुवीकरण। उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के मध्य जो है वो दुर्बल वैन डेर वाल फोर्स पाया जाता है। अभी आपको ने बताया कि छीण वैन डेर वाल फोर्स पाया जाता है और इसी कारण क्या है कि इनका ध्रुवीकरण कठिनता से होता है, ठीक है। यानी बहुत कठिनाई से ये लिक्विफिकेशन इनका होता है। समूह में हीलियम से रेडान की ओर जब हम जाते हैं तो आकार इनका बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण क्या है, अंतराणविक बलों में वृद्धि होती है। अंतराणविक बलों में वृद्धि होने के कारण ये द्रवित होने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है? द्रवित होने की क्षमता बढ़ जाती है। आइए आगे देखते हैं परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। क्या है? परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। अब इस समूह में क्या है कि तत्वों के त्रिज्या जो है वैन डेर वाल त्रिज्या होती है। कैसी त्रिज्या होती है? वैन डेर वाल त्रिज्या होती है। तथा यह समूह में जब नीचे की ओर जाते हैं यानी कि हीलियम से रेडान की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी त्रिज्या जो है वो बढ़ती है और इनकी परमाणविक त्रिज्या का मान जो है 17 के संगत जो तत्व हैं, ठीक है, जो 17 के जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनकी तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी है आयनन ऊर्जा। क्या है? आयनन ऊर्जा, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों का विन्यास स्थायी होता है यानी NH2NP6। इसके बायकोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसका बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन पृथक करने में अधिक ऊर्जा व्यय होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा ऊर्जा का व्यय होता है। जितने भी स्थायी तत्व हैं, ठीक है, अगर उनसे क्या है इलेक्ट्रॉन निकालना है तो काफ़ी ऊर्जा उनको देनी पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके आयनन एंथैल्पी के मान में जो है बहुत उच्च होते हैं यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार इनका क्या होता है, बढ़ता जाता है और परमाणु आकार बढ़ने के कारण ही क्या है, आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। यानी हीलियम से रेडान तक आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता जाता है। अब समूह 18 में एक तत्व है ज़ीनान। क्या है? ज़ीनान। ये कुछ यौगिक बनाने का गुण रखता है। क्या करता है? कुछ यौगिक बनाने का गुण रखता है। थोड़ी सी बात हम आपको और बता दें कि ये तो बहुत दुर्लभ गैसें हैं, ठीक है, ये आपको मिलती कैसे होंगी? तो इनका एक विशेष गुण है कि नारियल के चारकोल में क्या होते हैं, ये अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। नारियल के चारकोल में ये क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, इसको पुनः थोड़ा गर्म करके, जैसे हम -100 सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको जो है नारियल के चारकोल में अवशोषित कर लेते हैं और पुनः उस चारकोल को जाके गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये गैसें क्या होती हैं, विसरित हो जाती हैं यानी निकल जाती हैं। तो इस प्रकार हम इन गैसों को प्राप्त कर सकते हैं। हीलियम जो है वो नारियल के चारकोल में अवशोषित नहीं होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ज़ीनान के यौगिक। ज़ीनान के यौगिक यानी ज़ीनान कौन कौन से यौगिक बना लेता है?
तो जीनान कुछ यौगिक बनाने की गुण रखता है, जिसमें है पहला जीनान के फ्लोराइड्स। क्या है? फ्लोराइड्स। जीनान के फ्लोराइडों में है जीनान डाइफ्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड और जीनान हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो जीनान डाइफ्लोराइड में क्या है, इसको फार्मूला जो होता है XeF2 होता है। क्या होता है? XeF2। ठीक है, और इसका जो संरचनात्मक सूत्र है वो F है। इस तरह से ये देखिए, 6-3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, और 1-1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से क्या किया है, शेयरिंग किया है। तो इस प्रकार इसकी संरचना क्या है, एक लीनियर है। ठीक है, कैसी है? लीनियर है। अब निर्माण विधि के बारे में यदि बात करें तो क्या है, पारे की वाष्प पर परावैगनी किरणों की उपस्थिति में जीनान एवं फ्लोरीन क्या है, परस्पर संयोग करके जीनान डाइफ्लोराइड का निर्माण करते हैं परावैगनी किरणों की उपस्थिति में। ठीक है, यानी जीनान और ये फ्लोरीन इनको क्या करेंगे, पारे की वाष्प की उपस्थिति में परावैगनी किरण इन पर डालेंगे तो क्या बनेगा, जीनान डाइफ्लोराइड। और जीनान और फ्लोरीन का जो मिश्रण है, ठीक है, वो 2:1 में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? 2:1 के अनुपात में होना चाहिए। इनके गुण क्या क्या हैं? ये जो है अत्यधिक स्थायी यौगिक हैं। क्या हैं? अत्यधिक स्थायी यौगिक हैं। और यह हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलेय हैं। किस में विलेय हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में यदि इसको प्रवाहित किया जाएगा तो ये उसमें घुल जाएंगे। अगला है कि यह जल से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण करते हैं, यानी 2XeF2+2H2O। ठीक है, जब हम जीनान डाइफ्लोराइड को क्या करते हैं, जल की अभिक्रिया कराते हैं, तो इस अभिक्रिया से हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड और दो परमाणु जीनान के मिल जाते हैं। उसके बाद यह भी है कि यह एक आक्सीकारक की बात भी कार्य करता है। ठीक है, किसकी बात? यह एक आक्सीकारक की बात काम करता है। ठीक है, यानी 2HCl को क्या करते दे रहा है, XeF2 क्या करता है, इसको आक्सीकृत कर देता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, जीनार और क्लोरीन गैस भी इसके साथ निकलती है। अगला आता है जीनान टेट्रा फ्लोराइड। क्या आता है? जीनान टेट्रा फ्लोराइड। जीनान टेट्रा फ्लोराइड की संरचना, इसमें 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, जिसमें से इसमें इसके बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की इसने क्या की है, शेयरिंग की है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों की इसने शेयरिंग की है और 2 लोन पेयर इस पर बचे हुए हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, और इसकी संरचना जो है कैसी होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है, अब निर्माण विधि में क्या है कि 195 केल्विन ताप पर जब जीनान और फ्लोरीन के 1:5 में, ठीक है, मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जीनान टेट्राफ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? जीनान टेट्राफ्लोराइड बनता है। रिएक्शन है Xe+2F2। इनका अनुपात कितना होना चाहिए? 1:5 होना चाहिए। और इनके मिश्रण में क्या करेंगे हम? विद्युत विसर्जन करेंगे। यह भी ध्यान रखेंगे कि इनका ताप जो है 195 केल्विन हो। इस परिस्थिति में क्या बनेगा? जीनान टेट्राफ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? जीनान टेट्राफ्लोराइड। और इनके गुण क्या क्या हैं? ये तो स्थायी होते ही हैं। ठीक है, ये अत्यधिक स्थायी होते हैं, लेकिन जीनान डाइफ्लोराइड की तुलना में काफ़ी कम स्थायी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जीनान डाइफ्लोराइड की तुलना में कम स्थायी होते हैं। इनका अगला गुण है कि यह जो है द्रव HF में विलेय होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ठीक है, और 6 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? जीनान टेट्राफ्लोराइड ये अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अपघटित होकर जो है जीनान और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक, और इनका एक गुण और है रासायनिक गुण कि जीनान टेट्राफ्लोराइड क्या है, ये BCl3, ठीक है, बेरियम ट्राइड क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? BF3 बनाते हैं। ठीक है,
बेरियम ट्राइफ्लोराइड और जीनन और क्लोरीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जीनन और क्लोरीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इनके और भी बहुत सारे गुण हैं। आइए अगला देखते हैं, जीनन हेक्साफ्लोराइड। क्या? जीनन हेक्साफ्लोराइड। इसमें देखिए, इसके बाहर कोष में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉनों की एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किया है इससे, और एक लोन पेयर बचा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसके निर्माण की विधि क्या है? इसके निर्माण की विधि है कि उस ताप पर हम क्या करते हैं, उच्च ताप और दाब दोनों लगाते हैं। ठीक है, जिससे जीनन एवं फ्लोरीन को 1:20 के अनुपात में गर्म करने पर, ठीक है, यानी इनके मिश्रण का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:20 के अनुपात में हो। ठीक है, और इन दोनों को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जीनन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, जीनन हेक्साफ्लोराइड। उच्च ताप लगभग 623 से 923 केल्विन के आसपास होना चाहिए, और इनका गुण है कि यह सामान्य अवस्था में रंगीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये किस रूप में होते हैं, क्रिस्टल के रूप में। ठीक है, और ये ठोस क्रिस्टल होते हैं, वो भी रंगीन। ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं तथा जीनन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इनकी अगला गुण है कि जीनन ये XeF2 क्या करते हैं, XeF6, ठीक है, जीनन हेक्साफ्लोराइड सिलिका के साथ संयोग करके, ठीक है, जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये XeF6 है, ठीक है, का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन इसका, 2XeF6 प्लस SiO2 ये बनाता है 2XeO और F4। ठीक है, 2XeO F4 प्लस SiF6, ठीक है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना देता है। और इसका अम्लीय माध्यम में क्या है कि जीनन हेक्साफ्लोराइड तीव्रता के साथ जल जाता है और अपघटित होकर जीनन ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है, जीनन ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। वीडियो दोस्तों को भी अपने दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है, जो वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बताया है, और जो भी इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।